हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 15 वाट और 18 वाट एसकेडी के रेट। ठीक है, इसके मतलब आज ये तो है 15 वाट, ये है 18 वाट। आज इनके मैं सामान का रेट बताऊंगा, इनके रॉ मटेरियल के प्राइस के बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरे पास है एक 15 वाट, ये 15 वाट है। ठीक है, और इसके अंदर COB लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली COB। तो आज थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। और इसके अंदर ड्राइवर जो यूज हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। ठीक है, और के तो इसका प्राइस की मैं बात करूँ, इसके SKD के प्राइस देखो, इसके अंदर भी सेट का हिसाब होता है, COB, एक COB और एक ड्राइवर, इनके सेट के प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको 42 रुपये का मिलता है, दोनों का सेट आता है, एक तो COB और एक ड्राइवर। ठीक है, इसका प्राइस है 42 रुपये। अगर आप क्वांटिटी में लेते हो और सस्ता हो जाएगा और कम हो जाएंगे, एक रेट किसी के फिक्स नहीं होते हैं, और ये रेट कहाँ के ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसकी बॉडी की मैं बात करूं, जैसे ये बॉडी देख सकते हैं, इसमें एल्युमिनियम लगा हुआ है, अच्छी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है, हैवी बॉडी है। इसका ये डिफ्यूज़र है और इसके साथ आती है किट टिकली। ठीक है, इसको हम इस टिकली के अंदर कस देते हैं, तब इसके अंदर इसको हम फिट करते हैं इसके आराम से, और ये ड्राइवर इसके अंदर आ जाता है। ड्राइवर को फिक्स करके लगाना पड़ता है हमें नीचे, ताकि इधर उधर टच ना हो, इस तरह से खींच के हमें B22 के दो तार सोल्ड करने होते हैं। ओके, तो ये 15 वाट के SKD है। और इसकी हाउसिंग, जैसे बॉडी है, इसकी बॉडी की मैं बात करूँ तो इसकी बॉडी 21 रुपये, या इससे अगर आप क्वांटिटी में लेते हो तो इसके भी कम हो सकती है, मिनिमम 20-21 रुपये इसके रेट होते हैं। ठीक है, और इस SKD की बात करूँ तो इसके अंदर V22 इंक्लूड नहीं है, ना इसका बॉक्स इंक्लूड है। ठीक है, आपको बॉडी, टिकली, डिफ्यूज़र, सर्किट मतलब ड्राइवर, और ये MCPCB, ठीक है, COB, ये आपको ये मिलते हैं बस। और ये अगर इससे अलग तुम्हें आपको B22 ख़रीदनी है, इस तरह की B22 और इसका बॉक्स, उसके अलग चार्ज होता है। ठीक है, आपको इनके रेट तो पता चल गया होगा, 15 वाट की COB का रेट है 42 रुपये, तो इनका ड्राइवर और MCOB का रेट है। ठीक है, MCPCB का, और इसकी बॉडी का 21 रुपये, 21 रुपये, और वो B22 और बॉक्स वो आपको अलग से लेना होगा। अब चलो हम 15 वाट को अलग रख देते हैं, अब आते हैं अपने 18 वाट की तरफ। तो 18 वाट का पीस की मैं बात करूं, ये खुल नहीं रहा, खुल गया, बहुत अच्छा पीस है, बहुत ही अच्छी रोशनी है। लाइट की बात करूं, इसके अंदर ड्राइवर जो है बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है, जो कंपनी के ड्राइवर होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो 18 वाट लिखा हुआ भी है। और इसकी MCPC भी है, और ये इसका मतलब दोनों का ड्राइवर और MCPC का सेट है, इसका सेट आता है 62 रुपये का। अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो आप इसके रेट और भी कम हो सकते हैं, क्वांटिटी के ऊपर ही बात होती है हर चीज़ की, अगर आप 10-20 पीस लेते हो तो ये और महंगा हो सकता है, मगर आप अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी रखते हैं तो उसके अंदर आपको रेट कम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके रेट हो गए 62 रुपये इन दोनों के। ठीक है, अब इसकी हाउसिंग के बारे में बात करें, इसकी बॉडी है ये, इसके अंदर भी एल्युमिनियम लगा, काफ़ी हैवी बॉडी है, मजबूत बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टिकली है, ये इसकी टिकली है, टिक्की। ठीक है, और इसका ये डिफ्यूज़र है। इन दोनों की बात करूँ तो इनकी, इनके भी रेट 32 रुपये, मतलब इसकी बॉडी के रेट 32 रुपये है, और क्वांटिटी में लेते तो इसके भी रेट कम हो जाते हैं। देखो क्वांटिटी के ऊपर ही काम होता है, अगर आप अच्छी क्वांटिटी लेते हैं तो आप हर चीज़ के रेट कम कर सकते हैं, नहीं तो आपको हर चीज़ महंगी ही मिलेगी, 32 से भी ज़्यादा मिल सकती है अगर आप क्वांटिटी नहीं रखते हैं। तो आपको इनके भी रेट के बारे में पता चल गया होगा, मतलब अगर आप 10-20 पीस 50-100 पीस लेते हैं उसके रेट 94 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर B22 इंक्लूड नहीं है, ना इसका बॉक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इनकी रोशनी की मैं बात करूँ, रोशनी का मैंने अभी होल्डर फिट नहीं किया, मैं आपको इनको जला के भी दिखाता था, काफ़ी अच्छी, बहुत ही तेज़ रोशनी है, रोशनी में मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। COB वाले की भी रोशनी अच्छी है, और DOB वाले की भी रोशनी बहुत अच्छी है, और
ये आपको एक बात और बता दूं, आप किसी भी कहीं से भी भारत में कहीं से भी अगर किसी भी चीज़ का एलईडी बल्ब के का किसी का भी माल लेते हो तो उसके रॉ मटेरियल पर गारंटी नहीं दी जाती है। ठीक है, ये गारंटी वाला माल है, आप इसको आराम से गारंटी में दे सकते हो, मगर इस माल की, इन माल की गारंटी नहीं आती है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको किस तरह से बनाते हो किस तरह से नहीं बनाते हो वो आपकी हैटक है, आपका आपका रिस्क है, आप उसके खुद ओनर हो। मगर पीछे से जब आप 1,000 पीस, 100 पीस, 500 पीस लाते हो और उन कस्टमर मतलब उनसे दुकानदार से पूछते हो कि इसकी कोई गारंटी, गारंटी पीछे से कुछ नहीं आती, उनके पास भी नहीं आती, तो वो भी आपको नहीं देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे गारंटी कुछ है नहीं, मगर पीस मतलब सामान जो है वो चलने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा। तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं आती है एलईडी बल्ब में, गारंटी दी जाती है सिर्फ बने हुए तैयार बल्ब पर। अगर आप वहाँ से तैयार बल्ब लेते हो तो आपको नॉन गारंटी और गारंटी दोनों तरह के बल्ब मिल जाते हैं रेडी हुए हुए। ठीक है, उनके ऊपर गारंटी दी जाती है। ठीक है, वो अपनी गारंटी के पैसे अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो आपका भी अपना ऐसे हो, आप यहाँ से नॉन गारंटी में ख़रीदते हो, बनाकर सेल करते हो, अपने रिस्क पर अपने हिसाब से, अपनी जो आपको उसको गारंटी देनी आ गई आप उस हिसाब से गारंटी देते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ओके दोस्तों, बाय बाय।